माइट हैव टू से क्वेश्चन अगर आ गया तो हम लोग कैसे पहचानेंगे। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो अगर वर्ब के अंत में ना पढ़ सकता था रहेगा तो आप ऐसे क्वेश्चन को माइट हैव टू के नियम पर प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए। नहीं रहेगा तो सिद्ध नहीं करना है, और ये तो बहुत ईजी है। चलिए देख लेते हैं, हम आपके शिकायत दूर कर देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पहले आप गौर करेंगे यहां के मुझे वहां से आना पड़ सकता था, ना पड़ सकता था। एक नंबर में मुझे, दो नंबर में आना पड़ सकता था। कहां से? वहां से। हाँ, थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि माइट हैव टू के बाद हमेशा भी वन ही लगाना है। यानी सिंपल सी बात है कि टू के बाद हमेशा भी वन ही लगता है, चाहे सेंटेंस कितना हो, बड़ा क्यों नहीं हो। टू के बाद आप लोग कभी भी वी टू, वर्ब थ्री, ये सब लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ भी वन ही लगाना है आपको। तो यहाँ पर मुझे क्या अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर आई लिखेंगे, आई के साथ यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? ये माइट हैव टू दो नंबर में आना है, तो आना के अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? कम। वहां से है तो इसके अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम। फ्रॉम लिखने के बाद हम यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा? ये देयर लिखेंगे। मुझे है तो आई हो गया, आना पड़ सकता था ये वर्ड नहीं होता। तो आप सिंपल सी बात है कि आप माइट हैव टू नहीं लगाते और ये कम भी नहीं लिखते, और वहां से है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम फ्रॉम देयर लिखेंगे। अगली क्वेश्चन है कि हम लोगों को कल स्टेशन जाना पड़ सकता था, ठीक है। तो एक नंबर में यहां पर हम लोगों को छूट गया ना जी। चलिए देख लेते हैं, हम लोगों को, अब तो हो गया, पता चल रहा है ना। तो एक नंबर में हम लोगों को, दो नंबर में जाना पड़ सकता था। कहाँ बेटा? स्टेशन। ये तीन नंबर में आ जाएगा, कब? तो कल। तो करना क्या है कि एक नंबर में हम लोग अंग्रेजी आप यहाँ पर वी लिख लीजिए, ना पड़ सकता था के लिए माइट, माइट के बाद हैव, हैव के बाद टू, माइट हैव टू, जाना है तो गो लिख लीजिए, उसके बाद टू, द एस टी ए टी आई ओ एन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गौर कीजिए आप लोग। यहां क्वेश्चन है, तुम्हें पुलिस के सामने झूठ बोलना, तुम्हें पुलिस के सामने झूठ बोलना पड़ सकता था। तो एक नंबर में तुम्हें, देख लीजिए फिर से, एक नंबर में तुम्हें, दो नंबर में बोलना पड़ सकता था। क्या बोलना पड़ सकता था बेटा? झूठ। कहाँ पर? पुलिस के सामने। अब यहाँ पर तुम्हें की अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे। यू के साथ करना क्या है आप? ये माइट, माइट के बाद हैव टू लिख लीजिए। चलिए हम आप लोगों से एक सवाल पूछ लेते हैं, आखिर सारे क्वेश्चन में माइट हैव टू क्यों लग रहा है? तो सर कस के बोलिए, आपका कहना ये कि सर हर क्वेश्चन में ना पढ़ सकता था, ना पढ़ सकता था लगा, वो इसी कारण माइट हैव टू लग रहा है, तो फिर ये माइट हैव टू कब नहीं लगता? यानी कहना कि जब ना पढ़ सकता था ये वर्ड, अगर ये पहचान अगर नहीं होता तो नहीं लगता। चलिए बैठ जाइए। अब बोलना है तो बोलना के अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर टेल लिखेंगे। झूठ के अंग्रेजी आप यहाँ पर अलाई लिखेंगे। पुलिस के सामने है तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिफोर, बी ई एफ ओ आर ई, बिफोर लिखने के बाद आप यहाँ पर द
द लिखने के बाद पी ओ एल आई सी ई, कोई दिक्कत नहीं। क्या कुछ पूछना है? यानी आपका कहना यह है कि सर यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ काहे नहीं हो, ठीक है, बहुत अच्छा आपका सवाल है। तो आप समझ लीजिए कि अगर सामने शब्द का प्रयोग किसी मानव जाति के लिए किया जाए तो हम ऐसे सामने के लिए बिफोर लिखा करेंगे, लेकिन अगर किसी निर्जीव के लिए अगर किया जाए तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या काम करेंगे कि इन फ्रंट ऑफ लिखा करेंगे। चलिए हम आपके सामने में दो ऑप्शन डाल देते हैं ताकि आपका शक खत्म हो जाए। मेरा घर नदी के सामने है, मेरा घर भी निर्जीव, नदी भी निर्जीव, लेकिन वह मोहन के सामने में है, पुलिस के सामने है, तो ये कहने से मानव जाति का बोध होता है। तो सामने शब्द का प्रयोग अगर मानव जाति के लिए हो तो आप वहां पर बिफोर लिखेंगे, इन फ्रंट ऑफ लिखने की गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि उन लोगों को उस समय रुपया जमा करना पड़ सकता था, ठीक है। तो एक नंबर में उन लोगों को, दो नंबर में जमा करना पड़ सकता था। क्या जमा करना पड़ सकता था? रुपया। कब? तो उस समय। तो करना यहां पर यह है कि उन लोगों की अंग्रेजी आप यहां पर दे लिख लीजिए। अब रही बात यहां पर कि क्या लगेगा, तो इसमें भी तो वही लगाना है ना, माइट हैव टू ही लगाना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में ना पढ़ सकता था आ रहा है। जमा करना है तो डिपॉजिट, डी ई पी ओ एस आई टी, डिपॉजिट लिखेंगे। क्या जमा करना पड़ सकता? रुपया। तो आप यहां पर बैठा मनी लिख लीजिए। रही बात उस समय की, तो उस समय की अंग्रेजी हम एट लिखने के बाद दैट लिखेंगे, और दैट लिखने के बाद यहाँ पर हम टाइम लिखेंगे। अगर उन लोग को नहीं होता तो दे नहीं लिखते। जमा करना पड़ सकता था, अगर ये वर्ड नहीं होता तो सिंपल सी बात है कि आप लोग यहाँ पर माइट हैव टू डिपॉजिट नहीं लिखते, और रुपया अगर नहीं होता तो मनी नहीं लिखते, उस समय नहीं होता तो एट दैट टाइम नहीं लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं कि उसे दोपहर में वह काम, करना पड़ सकता था, उसे है तो ही हो गया, ठीक है ना। और यहां पर करना पड़ सकता था है तो इसके लिए क्या लिखेंगे आप यहां पर? माइट हैव टू डू लिख लीजिएगा। और नंबर तीन में वह काम है तो आप यहां पर दैट वर्क लिख लीजिए। और रही बात यहां पर दोपहर की, तो दोपहर की अंग्रेजी आप यहां पर एट लिख करके एन डबल ओ एन एट नून लिख लीजिए। एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है उन लोगों को मेरा, इंतजार, ठीक है, करना पड़ सकता है, पड़ सकता था लिखना होगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा ये। चलिए पढ़ सकता था। तो एक नंबर में उन लोगों को, दो नंबर में इंतजार करना पड़ सकता था, किसका? तो मेरा। तो उन लोगों की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप यहां पर? दे लिख लीजिए। और सब सब्जेक्ट के साथ आपको माइट हैव टू ही लगाना है, मगर कब? जब ना पढ़ सकता था रहेगा तब। तो इंतजार करना की अंग्रेजी बेटा डब्ल्यू ए आई टी, वेट लिखने के बाद ये फोर लिखेंगे, उसके बाद मेरा है तो क्या लिखेंगे आप यहां पर? ये मी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव समझा देते हैं, क्या क्या आप लोग, जहां तक मेरा ख्याल है कि आप लोगों से बन जाएगा। तुम्हें जाना पड़ सकता था, है ना, ना पड़ सकता था। तो तुम्हें की अंग्रेजी यू लिख लीजिए। यू के साथ क्या काम करेंगे आप यहां पर?
माइट हैव टू, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये निगेटिव इसका, यू माइट नॉट हैव टू गो। थर्ड क्वेश्चन इसका हो जाएगा, माइट यू हैव टू गो। चौथा जो क्वेश्चन लिखेंगे इसका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव वाला, इसका हो जाएगा यू माइट नॉट हैव टू गो, ठीक है। और पांचवा नंबर में बेटा आप लोग जो बनाइएगा इसको, ये हो जाएगा यहां पर व्हाई माइट यू हैव टू गो। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों से आराम से इसका, अगर किसी भी क्वेश्चन का अगर आप निगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव अगर आप बनाना चाहेंगे तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आप लोगों से बन जाएगा। तो आज इतना ही रहने दीजिए, हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को लॉट्स ऑफ थैंक्स।